हेलो, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी। देखिए, यहाँ आलू पालक सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, जिसको मैंने अच्छे से साफ करके धोकर बारीक चॉप कर लिया है। यहीं पर कुछ आलू लिए हैं, आलूओं को हमने अच्छे से छील कर काट लिया है। ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में हमें नहीं काटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। यहाँ पर बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डाला 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छा गर्म होने के बाद डालेंगे हींग और जीरा। यहीं पर डालूंगी बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और प्याज को हम हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। हमारी प्याज यहाँ पर हल्की सी भुन गई थी, इसी में डाल देंगे हम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। इसको भी हम कुछ देर के लिए यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। अब यहीं पर डालूंगी थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची। इनको भी हम यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। हरी सब्जियों में हम ज़्यादातर मसालों का यूज नहीं करते, इसलिए हमें यहाँ पर हरी मिर्ची और लहसुन ही डालेंगे, जिससे कि सब्जी में तीखापन और टेस्ट भी रहेगा। इनको कुछ देर के लिए हम यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार हमारे इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। अक्सर करके बच्चे हमारे हरी सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते, उनको भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। देखिए, यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। बस इसी तरीके से हमें इन प्याज को भूनना था। अब यहीं पर मैं इसमें डालूंगी आलू और आलूओं को मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भूनूंगी। हमें आलूओं को इसी तरीके से यहाँ पर चलाते हुए भूनना है। इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप यहाँ पर रेगुलर लाल मिर्ची भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाली है, इससे इनका कलर और टेस्ट भी अच्छा आता है। देखिए, यहाँ पर इसी तरीके से हम इन आलूओं को अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि हमारे ये आलू यहाँ पर अच्छे से पक जाएं। यहाँ पर मैं इन आलूओं को अच्छे से इसी ऑयल में भूनूंगी और यहीं पर हम डालेंगे इसमें 4 साबुत लाल मिर्ची। मैंने यहाँ पर ये लाल मिर्ची पहले नहीं डाली थी। अगर हम इन लाल मिर्चियों को पहले डाल देते तो ये यहाँ पर मिर्ची काली पड़ जाती है, इसलिए मैं इन मिर्चियों का यहाँ पर बाद में ही यूज कर रही हूँ। यहीं पर डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालकर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहीं पर डाले हैं बारीक चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर को भी हम यहाँ पर कुछ देर के लिए अच्छे से भूनेंगे। हमारे आलू यहाँ पर आधा स्टेज तक पक गए थे, हमें इनको कुछ देर के लिए और पकाना है। अगर आपके आलू इस तरीके से नहीं पके तो 2 मिनट के लिए लिड लगा कर इनको ढककर पका लेना है। यहीं पर मैंने कुछ मटर भी ऐड की है, जिससे कि सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। मेरे आलू यहाँ पर अच्छे से पक गए थे। यहीं पर अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पालक। पालक को हम इस तरीके से अच्छे से ऊपर से डाल देंगे। हमें अभी इसको अच्छे से मिक्स नहीं करना है, बस इसी तरीके से हम इसको डाल देंगे और एक लिड लगाकर इसे अच्छे से ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, ये पालक हमारा यहाँ पर अच्छे से पक गया था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम यहाँ पर
कुछ देर के लिए हाई फ्लेम पर और पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पालक डाला है, पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए और पकाना है। देखिए यहाँ पर ये हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है, पानी भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब यहीं पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और डालेंगे यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब इसको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी टेस्टी परफेक्ट सब्जी हमारी बनकर यहाँ पर रेडी हुई है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अक्सर करके हमारे जो बच्चे हैं हरी सब्जियाँ खाना कम पसंद करते हैं, इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर ये हमारी आलू पालक वाली सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके लिए और नई नई वीडियो लेकर आएंगे।